Most welcome. Adhyayan tutorials online classes. Today's discussion on mycoplasma. आज हम जो बात करेंगे वो mycoplasma की करेंगे. तो mycoplasma देखा जाए बीएससी के लिए सबसे important टॉपिक है. ये हर वर्ष परीक्षा में जरूर आता है. उस हिसाब से बहुत ही important टॉपिक है. तो mycoplasma is a unicellular structure and इज अ स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म. माइकोप्लाज्मा जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है. तो अगर हम बात करें माइकोप्लाज्मा की हिस्ट्री की, तो माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंटली रिप्लीकेट प्रोकैरियोट्स. ये सबसे छोटा रिप्लीकेट करने वाला प्रोकैरियोट्स है. दीज ऑर्गेनिज्म वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई पाश्चर इन 18th सेंचुरी व्हेन ही स्टडीज काजेटिव एजेंट ऑफ बोविन प्लोरोनिमोनिया. तो इसकी खोज जो देखी लुईस पाश्चर ने की थी, और उस समय की थी जिस समय जानवरों में जो निमोनिया डिजीज हो जाती है उसके एजेंट को खोजते समय इन्होंने इसको देखा था, लेकिन इसको आइसोलेट नहीं किया. पल्मोनरी डिजीज ऑफ द कैटल विच अपीयर्ड इन जर्मनी स्विट्जरलैंड इन 1730 के समय में जो हुआ था, तो उस समय इसको उन्होंने खोजा था. बोविन प्लोरोनिमोनिया को इन्होंने निमोनिया के लिए एजेंट माना था. ड्यू टू इट्स रिजेंबलेंस विद निमोनिया सिम्टम्स दिस डिजीज इज कॉल्ड बोविन. तो इसके जो सिम्टम्स थे जो इससे हो रही थी वो निमोनिया के सिम्टम्स के समान थे, जिसको उन्होंने कहा बोविन कहा था. ही बिलीव्ड दैट द डिजीज वाज कॉज्ड बाय सम माइक्रोब्स ही कुड नाइदर ऑब्जर्व नॉर कुड कल्चर इट. तो ये एक ऐसा माइक्रोब्स था जिसको ना आसानी से देख सकते थे माइक्रोस्कोप की भी हेल्प से, और ना ही इसको कल्चर किया जा सकता था. दिस काजल एजेंट बाय फर्स्ट आइसोलेटेड बाय कल्चर्ड बाय ई नोकार्ट एंड ई आर रॉक्स इन 1898. तो इस काजल एजेंट को सबसे पहले नोकार्ट और रॉक्स ने 1898 में अलग किया, और अलग करने के बाद इसको लेबोरेटरी के अंदर कल्चर किया था. दे आल्सो ऑब्जर्व दैट ऑर्गेनिज्म सो डिफरेंट फॉर्म्स व्हेन ग्रो ऑन द कल्चर मीडिया, और डिफरेंट फार्म में कल्चर मीडिया में इसको ग्रो करा के देखा गया था. दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर नेम्ड एज एस्ट्रोकोकस माइकोइडस बाय बोरल. तो बोरल ने इसको एस्ट्रोकोकस माइकोइडस नाम दिया था 1910 में. द जेनिग्रेन माइकोप्लाज्मा इज गिवन बाय नोवाक ड्यू टू देयर फंजाई लाइक रिजेंब्लेंस. चूंकि ये जो माइकोप्लाज्मा था ये फपूंदी यानी फंजाई यानी कि फंगस यानी कि कवक के साथ सिमिलरिटीज को शो करता था, तो उसी के नाम पर उन्होंने रखा माइकोप्लाज्मा, फंजाई लाइक प्लाज्मा. उसी सिमिलरिटी कारण इसका नाम इन्होंने 1929 में माइकोप्लाज्मा रखा. इन बिर्गी मैनुअल डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी 17th सेंचुरी दिस ग्रुप ऑर्गेनिज्म हैज बीन असाइंड ए न्यू ऑर्डर माइकोप्लाज्मा टेल्स. 1957 में इसको नए ग्रुप में रखा गया. एडवर्ड प्रपोज द ऑर्गेनिज्म शुड बी प्लेस्ड इन द न्यू क्लास मोलिक्यूटीज एज द ऑर्गेनिज्म लाइक डेफिनेट सेल वॉल. तो उन्होंने इसको एक अलग ग्रुप रखा था. इन 1967 अ ग्रुप ऑफ जापानीज वर्कर्स डोए एट ऑल ऑब्जर्व दैट द येलो डिजीज ऑफ सम प्लांट्स इज कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म. दे ऑब्जर्व माइकोप्लाज्मा लाइक बॉडीज इन द फ्लोएम ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स सेवरल लीफ हॉपर ट्रांसमिटेड डिजीज. इसी ऑब्जर्व दैट द माइकोप्लाज्मा लाइक बॉडीज एंड सिम्टम्स डिसअपीयर टेम्परेरली व्हेन द प्लांट्स वर ट्रीटेड विद टेट्रासाइक्लिन. तो जो जापानीज वर्कर थे देखा कि प्लांट्स हमारा पीला हो रहा है, येलो हो रहा है, और उसके सिम्टम्स में जो उसमें ऑर्गेनिज्म था वो माइकोप्लाज्मा लाइक था, और जब उन्होंने उसको टेट्रासाइक्लिन से ट्रीट किया तो वो प्लांट जो सिम्टम्स थे वो दिखाई देना बंद हो गए. कहाँ मिलता है हैबिट एंड हैबिटाट्स. माइकोप्लाज्मा और पैरासाइट एज वेल एज सेप्रोफाइट्स मोर देन 200 माइकोप्लाज्मा लाइक बॉडीज आर फाउंड टू बी एसोसिएटेड सीवेज प्लांट एनिमल इंसेक्ट ह्यूमन हॉट वाटर स्प्रिंग हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट. दे हैव बीन फाउंड इन फ्लोएम टिश्यू ऑफ डिजीज प्लांट्स एट लीस्ट 11 सीरोलॉजिकली एंड बायोलॉजिकली डिस्टिंक्ट माइकोप्लाज्मा हैव बीन फाउंड इन मैन एम ओरल एंड माइकोप्लाज्मा सेरेब्रम आर फाउंड ऑलमोस्ट इन द एवरी हेल्दी अडल्ट
होमिनेस इज प्रेजेंट इन द लार्ज प्रोपोर्शन सेक्सुअली एक्टिव अडल्ट डिजीज लाइक प्राइमरी अ टिपिकल निमोनिया इन अ माउथ फेरिंग्स एंड जेनेटिक यूरिनरी ट्रैक्ट ट्रांजिशन ह्यूमन आर कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा बेसिकली कहाँ मिलता है? तो माइकोप्लाज्मा सीवेज वाटर में मिलेगा, प्लांट्स में मिलेगा, एनिमल में मिलेगा, इंसेक्ट में मिलेगा, ह्यूमन में मिलेगा, हॉट स्प्रिंग वाटर में मिलेगा और दूसरे एनवायरमेंट में भी पाया जाता है। तो प्लांट के केस में देखा जाए कि माइकोप्लाज्मा जो रिपोर्टिंग आपकी होगी तो अगर आइसोलेट करना तो आपको फ्लोएम टिश्यू के अंदर वो मिलेगा जो डिजीज कॉज करता है, और इसी तरीके से ह्यूमन के अंदर भी डिजीज कॉज करता है तो वहां पर भी मिलेगा, जिससे कि ह्यूमन में जो डिजीज होती है प्राइमरी अटिपिकल निमोनिया जो हो जाता है माउथ में मिलेगा, इसका फेरिंग्स में मिलेगा, जेनेटोरिनरी ट्रैक्ट में मिलेगा। तो सॉरी, माइकोप्लाज्मा करेक्टर ऑफ माइकोप्लाज्मा, दे आर यूनिसेलुलर स्मॉलेस्ट नॉन मोटाइल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म फॉर्मिंग फाइव एग शेप्ड कॉलोनीज। तो ये जो होता है स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, नॉन मोटाइल है, प्रोकैरियोटिक सेल्स इसमें पाई जाती हैं। दे आर प्लूरोमॉर्फिक एबल टू चेंज देयर शेप डिपेंडिंग अपॉन द कल्चर मीडिया। दे मे बी रॉड लाइक, रिंग लाइक, ग्लोबॉइड, फिलामेंटस। द फिलामेंट्स आर ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर एंड वेरी इन लेंथ 3 nm टू 150 nm। सम माइकोप्लाज्मा प्रीडोमिनेंटली एज्यूम्ड स्फेरिकल शेप एनम डायमीटर। दे आर अल्ट्रा फिल्ट्रेट, दे कैन पास थ्रू द बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर, दे डू नॉट पास इज रिजिड सेल वॉल। तो ये इतना छोटा होता है कि अगर बैक्टीरियल वाली हम अगर बैक्टीरिया से हम फिल्टर पेपर बनाए तो उसको भी ये क्रॉस कर जाएगा। इसका शेप एंड साइज निश्चित नहीं होता है, इसलिए इसके अलग अलग आकार होते हैं। कभी अमीबा के शेप्ड होता है, गोलाकार होता है, इलांगेटेड होता है, अलग अलग शेप होता है। अलग अलग शेप होने के कारण से जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। द सेल्स आर डिलिमिटेड सॉफ्ट ट्रिपल लेयर्ड। इसकी जो सेल वॉल होती है बेसिकली, जिसे मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, वो ट्रिपल लेयर्ड होती है, लिपो प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। इट इज यूनिट मेम्ब्रेन अबाउट 10 nm थिक, जो 10 nm थिक होती है। विद इन द साइटोप्लाज्म राइबोसोम आर फाउंड स्कैटर्ड इन द पेरिफेरल जोन, दे आर 14 nm डायमीटर, रिजेंबल विद द बैक्टीरिया एंड द सेडिमेंटेशन कैरेक्टरिस्टिक बोथ न्यूक्लियो प्रोटीन एंड न्यूक्लियक एसिड। तो बेसिकली जो साइटोप्लाज्म में होता है वो राइबोसोम पाया जाता है और पेरिफेरल जोन में धंसा रहता है, न्यूक्लियो प्रोटीन और न्यूक्लियक एसिड इसमें होता है। राइबोसोम बेसिकली 72S टाइप का होता है। विद इन साइटोप्लाज्म आर द फाइब्रिल डीएनए प्रेजेंट, तो फाइब्रिल डीएनए भी मिलता है, डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स का बना हुआ होता है। माइकोप्लाज्मा जनरली ग्रो मोर स्लोली देन बैक्टीरिया। तो माइकोप्लाज्मा जो है कल्चर मीडिया में अगर आप देखें तो बैक्टीरिया की अपेक्षा स्लो ग्रोथ करता है। दे रिक्वायर स्टेरॉल ऑफ न्यूट्रिशन, तो इसको न्यूट्रिशन के लिए स्टेरॉल की आवश्यकता होती है, जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस का स्टेरॉल है। दे आर यूजली रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन, सेफालोनड्रिन, वेनकामाइसिन विच एक्शन सेल वॉल। दे आर सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन। तो बेसिकली क्या होता है, ये कुछ हमारे एंटीबायोटिक होते हैं इन पर रेजिस्टेंट होता है, पेनिसिलिन है, सेफेलिन है, जबकि ये टेट्रासाइक्लिन प्लस सेंसिटिव होता है क्योंकि सेल वॉल को नुकसान पहुंचाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द टेम्परेचर ऑफ 42-55 degrees centigrade इन द 15 minutes। तो इसको 15 मिनट तक 40-55 degrees centigrade पर हम रखकर किल कर सकते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस स्पोर, ये स्पोर उत्पन्न नहीं करता। लाइक अदर प्रोकैरियोट्स दे यूजली डिवाइडेड इनटू बाइनरी फ्यूजन, ये दूसरे माइक्रोस्ट्रक्चर बाइनरी फ्यूजन के द्वारा अपना जो है कुनबा बढ़ाने का काम करता है। यूनिट मेम्ब्रेन क्लोज साइटोप्लाज्म, विद इन द साइटोप्लाज्म आरएनए एंड डीएनए आर प्रेजेंट। राइबोसोम 72S डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स डिस्टिंग्विश डीएनए ग्वानिन एंड साइटोसिन कंटेंट। इसमें जो होता है जो ग्वानिन और साइटोसिन कंटेंट इसमें पाया जाता है। डीएनए इज अप टू 4% प्रेजेंट, आरएनए इज अबाउट 8%। इसमें डीएनए जो होता है 4% होता है और आरएनए की मात्रा जो होती है वो 8% होती है। इज लेस देन हाफ एंड यूजली अकर्स इन द प्रोटोप्लाज्म। द ग्वानिन एंड साइटोसिन कंटेंट इन डीएनए रेंज फ्रॉम 23 to 46%, यानी 23 से 46% तक होता है। इन सम स्पीसीज ग्लॉप्सोपेक्टम सम पोलर बॉडीज प्रोड्यूस फ्रॉम वन टू अदर ऑफ द सेल, दीज आर कॉल्ड ब्लिब एंड कंसीडर टू बी द साइट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज उसमें पाई जाती है। नहीं है, लेकिन इसके ट्रीटमेंट के लिए इसमें जो है टेट्रासाइक्लिन वगैरह का यूज